जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो वहीं लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती नजर आई। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद भारत भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। भारतीय सैनिक और चीनी सेना आमने सामने रही। चीनी सैनिकों के साथ बीते दिनों भारतीय सैनिकों की झड़प की खबरें सामने आई, जिसके बाद दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति देखी गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की और मसले पर बैठक में तय हुआ है कि चीन के साथ जारी मौजूदा विवाद को बातचीत और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सुलझाया जाएगा। तो वहीं चीन ने बुधवार को कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दों को हल करने का तंत्र मौजूद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लेजियन ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। हालांकि इससे एक दिन पहले ही चीनी प्रवक्ता की तरफ से ये भी कहा गया था कि उनके फौजी भारत चीन सीमा पर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। लद्दाख में हाल ही में गालवन नाला एरिया के पास चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। LAC के पास कई सेक्टरों में चीन करीब 5,000 जवान तैनात कर चुका है। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने में दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इसके बाद मोदी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से चर्चा की। इससे पहले लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री की CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से करीब 1 घंटा मीटिंग हुई थी। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये बड़ा विवाद होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पोंगकोंग तस्सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2,000 से 2,500 सैनिक तैनात किए हैं, साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। बता दें कि चीन इससे पहले भी लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।